गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे सीबीडीसी से उसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। क्यों क्रिप्टो करेंसी कॉशियस है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्या इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का डिस्कशन होने वाला है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज का है वो है ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड। क्या कह रहा है? गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिट्स ए 10-month हाई। देखो, हमारा गुड्स में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत 10th month के हाई पर पहुंच गया है। तो इसमें हमारे लिए जानने का चीज़ ये है कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखो, ट्रेड डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप एक चीज़ जान लीजिए कि डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मैक्सिमम इंपोर्ट करती हैं, तो इंपोर्ट करने की वजह से जो ट्रेड होता है हमेशा डेफिसिट रहता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो हमारा डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्री में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में ये सिचुएशन बनी रहती है, मगर कुछ कंट्री हैं जैसे चाइना जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का कोई सीन नहीं रहता क्योंकि वो एक्सपोर्ट बेस्ड ही इकोनॉमी है। अभी रिसेंटली चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। मैंने आपको इस डिफ्लेशन के बारे में नहीं बताया, मगर फ्यूचर के लेक्चर में इंक्लूड किया है कि डिफ्लेशन क्यों आई चाइना में और इंडिया उससे क्या सीख सकती है। देखो, चाइना की इकोनॉमी इन्वेस्टर वेस्ड है, मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट ग्रो करेगा, मगर कंजम्पशन बेस्ड नहीं है। कंजम्पशन बेस्ड का मतलब होता है कि कितने लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा आपकी इकॉनमी में कंजम्पशन होगा, उस कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि इकॉनमी ग्रो करती है, इकॉनमी को मौका मिलता है अपने को स्टेबल करने का। अब एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, मान लो किसी कंट्री ने बैन लगा दिया तो एक्सपोर्ट तो आपका धरा का धरा ही रह गया, ठीक है ना। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमने डिस्कस किया। निपाह का केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे आपको इसके नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। निपाह जो है एक ज़ूनोटिक वायरस है, मैंने बताया है, हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। एक ज़ूनोटिक वायरस है, मैंने आपको बताया है कि वायरस जो होता है वो उसको पनपने के लिए या जीवित रहने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। और निपाह की कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी वैक्सीन ना होने की वजह से इसको जो स्टैंडर्ड मेज़र्स हैं फीवर के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं और कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की जाती। मैंने बताया सबसे पहले निपा मलेशिया और इंडोनेशिया में मिला था, अप्रॉक्स 1998 में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन रीजन में निपा के केसेस मिले हैं। और निपा वायरस फ्रूट बैट से होता है। ये देखिए, हमने आज रिवीजन कर लिया कि निपा कहाँ से होता है और कहाँ तक पहुँचता है और इंडिया में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अगला आर्टिकल जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, इसको हम फ्यूचर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ होती थी पॉलीग्राफ टेस्ट होता था। देखो, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता था कि आपसे कुछ क्वेश्चन करती थी पुलिस, और पुलिस जो क्वेश्चन करती थी उसके जवाब देने होते थे, और आपके जवाब के आधार पर आपके साइकोलॉजिकल फेनोमिना को देखा जाता था, उस बेस पर डिसाइड किया जाता था कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। मगर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, ठीक है। देखो, ये टेस्ट है न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंटरोगेशन। मतलब इसमें न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड होता है यूज़, कि न्यूरोलॉजिकल आपके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो, ये चीज़ बताई गई है, पर्सन्स ब्रेन बाय सेंसिंग ब्रेन वेव रिस्पॉन्स। मतलब आप बैठे हैं, आपसे वार्तालाप चल रही है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, मगर आपका ब्रेन किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, आपके ब्रेन में क्या एक्टिविटी हो रही है, उस चीज़ के द्वारा पता लगाया जाता है कि आप इस केस में झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया, कैरिड आउट बी अ प्रोसेस, जो प्रोसेस होती है उसे इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है।
जो प्रोसेस यूज होती है ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग में, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम बोले जाता है और इसमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देखा जाता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पॉलीग्राफ टेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है देखो, डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन आंसर सेशन विद द अक्यूज। देखो मैंने आपको बताया कि इस ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है, जबकि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। उसमें ब्लड प्रेशर आपका चेंज होता है, पल्स रेट चेंज होती है और स्किन की कंडक्टिविटी चेंज होती है। देखो इस केस में निर्दोष आदमी भी फंस सकता है। कैसे फंस सकता है? देखो कभी कभी क्या होता है, निर्दोष इतना घबरा जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखो दोनों ही केस ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लीगल नहीं है। यूज करती है पुलिस लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, मगर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को मानती नहीं है। देखो लिखा है आगे, ब्रेन मैपिंग इज कंसिडर मच मोर क्रेडिबल देन पॉलीग्राफ। मतलब क्रेडिबल है, मतलब 100% श्योर नहीं है, मच मोर क्रेडिबल बताया इसने। ठीक है, ब्रेन मैपिंग, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें मानता है या नहीं मानता है। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम आप ज़रूर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एक्सरसाइजेस के ऊपर। बहुत सारी एक्सरसाइजेस न्यूज़ में रहती हैं, तो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज एकता। एकता जो है नवल एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव के बीच होती है। देखो आपको मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ यूपीएससी का। यूपीएससी ने अभी तक कोई एक्सरसाइजेज नहीं पूछी हैं, तो हम लोग क्या है एक्सरसाइजेस को डिस्कस भी नहीं करते। मगर यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ भी कर सकता है यूपीएससी। तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक्सरसाइजेस को एज अ डिस्कस कर लेते हैं मगर लर्न नहीं करते। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज एकता देखी, ये एक नवल एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव के बीच में है। ठीक है, दूसरी एकुवेरिन आर्मी एक्सरसाइज है। आर्मी एक्सरसाइज मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और मालदीव के बीच होती है। और एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023, ये इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है मंगोलिया में, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्सरसाइज ज़्यादा पूछी जाती हैं जिससे पीस की उत्पत्ति होती हो, पीस का जन्म होता हो। ठीक है, अगला आर्टिकल जो हमारे द हिंदू का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्या हुआ, G20 नेशंस की मीटिंग्स में एक ब्रॉड कंसेंसस बना कि हम कैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं जिससे हमारे फाइनेंशियल लॉसेस ना हो और हमारी इकोनमी में डिसस्टेबिलिटी ना आए और टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले। ठीक है, ये चीज़ें इस G20 के सम्मिट में डिस्कस की गई, उसमें बताया गया कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए। तो हम क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स देख लेते हैं और CBDC से किस तरह डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके UPSC या PCS में ज़रूर पूछा जाएगा हर हाल में। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो सिक्योरिटी में, जिसकी सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होती है। मतलब ये एक प्रोग्रामिंग है, जो कोई भी चीज़ हम इंटरनेट पर देख रहे हैं वो एक प्रोग्रामिंग होती है, उसके बैक एंड में हैशटैग AB फिर हैशटैग स्टार ये सब चीज़ें यूज होती हैं। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जानते होंगे जो आज हमारा लेक्चर सुनते होंगे। और फिर दूसरी बात है, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का क्या मतलब होता है? देखो डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब होता है जिसकी कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होती है, जो बिटकॉइन पर वर्क करती है। अगर एक ब्लॉक एक लेजर में चेंज हो रहा है तो दूसरे लेजर में ऑटोमेटिक चेंज दिखा रहा है, इंटरमीडिएटरी का रोल खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही CBDC में, CBDC जो रिटेल सेक्टर में एज ए ट्रायल यूज की जा रही है उसमें भी यही है कि आपकी इंटरमीडिएटरीज खत्म हो जाएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन रेगुलेट नहीं करता है। यही वजह है क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल होती, कुछ भी बैकिंग नहीं है इसकी। ठीक है, कुछ क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और लाइट कॉइन हो गया। मैंने आपको पहले स्टेबल कॉइन बताया था,
स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन इसलिए मार्केट में आया, ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। स्टेबल कॉइन मार्केट में इसलिए आया कि ताकि आपके कॉइन्स में स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसको खरीद सके, आपके अंदर भरोसा उत्पन्न हो कि हाँ स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है मगर इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अदर क्रिप्टो करेंसी अगर आज $100 है तो कल $10,000 है, कल परसों $20,000 है, फिर एकदम गिर जाती। तो इस तरह से एक बेसिक चीज़ ये है, कभी कभी माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी में किस तरह से क्रिप्टो करेंसी बनी होती है। देखो पहली बात तो ये प्रोग्रामिंग होता है, दूसरी बात क्या है कि क्या करते हैं लोग, पहले एक लेजर बनाते हैं, मतलब एक डिजिटल अकाउंट बनाते हैं, वॉलेट बनाते हैं, फिर अपना पैसा किसी बंदे को देते हैं, थर्ड पर्सन को, फिर वो वॉलेट का अधिकार मिलता है, पासवर्ड मिलते हैं और उसमें क्रिप्टो करेंसी मिलती है। अब क्रिप्टो करेंसी अप एंड डाउन होती है, अप एंड डाउन होने के बाद क्या होता है, इसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पर इसमें खरीद फरोख्त होती है। एक क्रिप्टो करेंसी में बहुत वर्ड फेमस है, क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है कि आप प्रोग्रामिंग को सॉल्व करके बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के, बहुत बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर यूज़ करके आप क्रिप्टो को माइन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा माइन करने की वजह से क्या होता है, सिस्टम पर बहुत लोड आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लॉस होता है। उसमें क्या होता है, माइनिंग में प्रोग्रामिंग सॉल्व करके आप क्रिप्टो चेज करते हैं और एकदम, मतलब आप सॉल्यूशन करने के बाद उसको माइन कर लेते हैं और आपके पास कुछ क्रिप्टो करेंसीज आ जाती है, ये क्रिप्टो माइनिंग कहलाती है। मैं आपको समझ सकता हूँ, इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत होती होगी, मगर जैसे जैसे हम इसकी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे टॉपिक को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें डिजिटल वॉलेट बनाया जाता है, ठीक है। मैंने बताया डिजिटल वॉलेट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट कीज होती है, मतलब दो तरह की कीज होती है, एक पब्लिक कीज होती है जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन में तब्दीली करना है तो पब्लिक कीज होना चाहिए, एक प्राइवेट कीज होती है जिसे कोई एक्सेस नहीं करता है, बस आप ही उसे एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये सेंड करता है और रिसीव करता है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, वही बात वहां पर बताई गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो करेंसी यूपीएससी पूछे ना पूछे मगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जरूर पूछ सकता है यूपीएससी। उसका रीजन है क्योंकि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब एक तरह का लॉकर है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब जितने नेटवर्क हैं कंप्यूटर के, डिसेंट्रलाइज मैनर में उसको रिकॉर्ड करता है। देखो ब्लॉकचेन को जो है डिसेंट्रलाइज बनाया गया है मगर इसको सेंट्रलाइज भी बनाया जा सकता है, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगली बात की गई है, नो सिंगल एंटिटी कैन अल्टर और डिलीट प्रीवियस ट्रांजेक्शन, हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें सबकी, मतलब डेमोक्रेटिकली सबकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कुछ चेंज किया है, जैसे आप मान लो पैसे निकाल रहे हो ₹100, आप अनुमति दे चुके हैं, हाँ इस बंदे को ₹100 निकालना, ऐसा हमने क्लॉज डाल रखे हैं, ठीक है। अब देखो ब्लॉकचेन इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन, मतलब फाउंडेशन जो टिका है, मतलब कोई भी बंदा है उसकी पढ़ाई टिकी होती है NCERTs पर कि हाँ उसका फाउंडेशन कैसा है। तो कोई भी चीज़ का फाउंडेशन जो है वो जितना मजबूत होगा वो उतना बंदा मजबूत होगा, ठीक है, या बंदी मजबूत होगी, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन का फाउंडेशन जो है वो, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन ब्लॉकचेन पर टिका हुआ है। आप क्या देख लें, इंडिया में क्या लीगल स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम आपका जाएगा मगर आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ, जब क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आई तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इलीगल मनी तो इन्फ्यूज़ की और लीगल मनी भी इन्फ्यूज़ की। तो लीगल मनी इन्फ्यूज़ से क्या होता है कि फाइनेंशियल डिसस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि मार्केट में मनी रहती नहीं है, और जैसे जैसे RBI अपने मनी की प्रोसेस देखती है, मनी देखती है, बैंक में देखती है, लिक्विडिटी को मतलब लिक्विडिटी को कैलकुलेट करती है, तो उसे फील होता है यार मनी तो मार्केट में है मगर
जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाते हैं। आरबीआई ने इससे पहले वार्निंग भी दे रखी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इन्वेस्टर को रिस्क पहुंचा सकता है और ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक 2018 तक लोगों ने इन्वेस्ट किया, इलीगल मनी लगाई, टेररिज्म को फंडिंग की बहुत ज़्यादा। इसके बाद 2018 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की गाइडलाइन को स्टक डाउन कर दिया। ठीक है, स्टक डाउन करने के बाद क्या हुआ, डिजिटल करेंसी में एकदम बूम आया। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेशन लगाने के बाद, दो तीन साल स्टडी करने के बाद, यूनियन बजट 2022 में कहा कि कोई भी वर्चुअल ट्रांजेक्शन होगा, मतलब चाहे डिजिटल करेंसी हो या कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसमें 30% टैक्स डिडक्ट होगा। मतलब अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, 100 रुपये आपने ट्रांजेक्ट किए तो आप पे 30 रुपये ट्रांजेक्शन लगेगा। मगर अभी भी गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, अभी भी वो दुविधा की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद क्या किया, इस चीज़ को चेक करने के लिए और इस चीज़ को स्टक डाउन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाई। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस देश में क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल है, तो जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के आधार पर लेन देन होता है, तो एक है अल सल्वाडोर, ये सबसे पहली कंट्री थी अल सल्वाडोर, दूसरी है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये दो कंट्री हैं जो वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी पर ट्रांजेक्शन करती हैं। ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइन लीगल करेंसी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। ये पायलट बेसिस पर आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है रिटेल सेगमेंट में। ठीक है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी हम लोग आपको बता चुके। ठीक है, और ये पेपर करेंसी की तरह वर्क करेगी। मतलब आपके पास मान लो एक डिजिटल करेंसी है, 1 CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है आपके पास, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आपके पास एक डिजिटल करेंसी है, तो आप इस एक डिजिटल करेंसी को कभी भी फिएट करेंसी की तरह सेंट्रल बैंक के पास जाकर बदल सकते हैं। मतलब ये एक लीगल टेंडर है, और लीगल टेंडर है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो लोगों के परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, टेररिज्म पे भी खर्चा नहीं कर सकेंगे, हम उस पर रेगुलेशन भी लगा सकेंगे, उससे ओवरव्यू भी ले सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, अब देखो वही बात बताई गई, सेम करेंसी है, 1-to-1 आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, और डिजिटल वर्जन है इंडियन रुपीस का। ठीक है, अब देख लो कुछ इंपॉर्टेंट ये मैंने बनाए हैं अपने पास से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कौन इशूअर होता है। देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इशूअर जो है आरबीआई है, जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, रेगुलेशन ये हाईली रेगुलेटेड है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है सेंट्रल, ये वैरायटी ऑफ कंट्रीज हैं, मतलब कंट्री में रेगुलेशन वेरीज कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट ही नहीं की जाती, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होती है, बैक्ड बाई गवर्नमेंट। हाँ, ये गवर्नमेंट बैक है सेंट्रल बैंक की करेंसी, और डिजिटल करेंसी भाई आरबीआई, ये भी बैक्ड है, ये कोई बैक्ड नहीं, बैकिंग ही नहीं है, बैकिंग ना होने की वजह से इसके मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहती है ना। कंट्रोल पर्पस क्या है, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल पर्पस है डिजिटल करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये डिजिटल करेंसी भाई आरबीआई इफिशियंट ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, कोई भी इस पर कंट्रोल ही नहीं है, ये जो है डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है इस पर। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये, देखो आपको मैं बताता हूँ, बैकिंग, कि जो बैकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, सेंट्रल डिजिटल करेंसी भाई आरबीआई, ये भी बैक की जाती है, सेंट्रल बैंक की जो करेंसीज होती हैं यूपीआई वगैरह वो भी कंट्रोल की जाती हैं। आप देखो, जो यूपीआई वगैरह होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होती है, जबकि डिजिटल बैंक की जो सीबीडीसी है वो इफिशियंट ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब वही बात की जा रही है कि सीबीडीसी क्या होता है, कि आपको इफिशियंसी देता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन देता है। आप फॉरेन से ट्रेड करना चाहते हैं, लो हम सीबीडीसी डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, कोई इंटरमीडिएटरी का रोल ही नहीं है, आपके पास सीबीडीसी है, आप इंडिया के पास आइए, कभी भी फिएट करेंसी ले जाइए, आप इंडिया से सीबीडीसी दीजिए, आप हमारे यहां से माल ले जाइए। तो मतलब जो है इफिशियंट ट्रांजैक्शन हो जाता है इससे, जबकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट है, ग्लोबल ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन रहता है, ट्रांजैक्शन तो हो रहे हैं इसमें मगर कोई भी उसका वो व्यूज नहीं है। ठीक है, कोई भी उसको लीगलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सब मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, खुद मैंने अपने
माइंड से रिसर्च करके इस पर बनाया है कि कैसे क्या रीज़न है जो इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है कॉशियस है क्रिप्टो करेंसी के लिए। पहली बात इन्होंने बताई है कि लैक ऑफ रेगुलेशन है, कोई भी रेगुलेशन नहीं है क्रिप्टो करेंसी पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, टैक्स इवेजन, इलीगल एक्टिविटी में। अरे जब कोई रेगुलेशन ही नहीं है तो आप कोई भी कैश फॉर्म को डिजिटल में बदलोगे और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दोगे। रेगुलेशन है ही नहीं, आपको जानता ही नहीं है बंदा किस नाम से वॉलेट बनाया गया है। ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी बहुत है, हम लोग इसे डिस्कस कर चुके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया, जब क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा तो लिक्विडिटी का पता नहीं रहेगा किस क्षेत्र में कितनी लिक्विडिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। और टैक्स इवेजन तो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आज हमने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक को डिस्कस किया। आपको कहीं से भी कोई चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप दो दो बार सुनिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।